डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। हमको मोदी चाहिए, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। क्या बोला तूने? उनके पर दिल दे बैठे हैं। लेकिन एक सेकंड। अरे चाची, वो संत आदमी है, उन्होंने देश की भलाई के लिए अपना घर द्वार, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए। अब वो बात अलग है कि इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। 300 नहीं, ये सच्चाई 100% सच्चाई है। मोदी जी झूठ बोल सकते हैं क्या? समझ रहे हो ना अभी? और तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो इस जन्म में, तो ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। आंटी जी चाचा घर पे इंतजार कर रहे होंगे, और गुस्सा भी, जाओ अभी के अभी घर जाओ, ठीक है? मोदी जी को फालतू के रिलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए मैं तो चाहती हूँ एक बंदे को, लेकिन उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं उनको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। वही मोदी डालू क्या? ये औरतों की सन्नी देओल, राखी सावंत, कभी से सलमान खान से प्यार हो जाता है तो कभी राहुल गांधी जी से प्यार हो जाता है। इस बार तो इसने हद ही कर दी, मोदी जी के ऊपर लाइन मार रही है। वो सख्त चिल्ला चिल्ला कर कहता है मैं संत हूँ। बात तो सही है फिर भी समझ ना आ रही। और रही बात तुम्हारी, तो मोदी जी को एक्सपायरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ रशियन, हर देश की नारी का सम्मान करते हैं, हर देश की नारी का। इन फालतू कामों के लिए उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मोदी जी को बदनाम करने पे तुले हैं ये लोग, और कुछ नहीं। वाह, खराब हो जाएगा मैं वाक। अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं। आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या करोगे? मैं पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ूंगी सबसे पहले। अच्छा, और अगले दिन उन्होंने हम पे छोड़ दी तो मैं तो एक दिन की पीएम थी ना, अगले दिन मोदी जी जाने। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे दीदी मैं क्या कहूँ, वैसे भी देश में हर जगह रोजगार ही रोजगार है, महंगाई का तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। मैं कह रही थी खाने में पनीर बना लूं। बहन की घोड़ी पनीर बनाएगी, वो भी इतनी सस्ती चीज। एक काम कर, 1,500 रुपए किलो वाली चटनी पीस ले, मोदी जी के राज में तो पनीर खाएगी, सस्ती चीज बिल्कुल नहीं, सिर्फ महंगी चीजें खानी है, वो भी सही। मैडम वैसे भी तुम इतने झांकों से देश के ऊपर मिसाइल छोड़ के क्यों मोदी जी का नाम दोबारा चाहती हूँ? वैसे भी लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, तुमने तो एड़ियों तक पहुंचा दिया है। और रही बात ये मोदी जी की, ये सब चीजें देख के मोदी जी वैसे भी अंदर से बेचारे टूट जाते हैं, है? देश कर की करे तो करे कैसे, समझ नहीं आ रही मुझे ये बात। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता दें। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। कोई सेंस है इस बात की? ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है हम। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो तो ठीक है आंटी जी, पर एक बात बताओ, ट्रांसलेटर कौन से देश से बुलाओगी समस्या समझाने के लिए? अरे मैं भी समझ, देश में तो किसी चीज की समस्या नहीं है, सॉरी है, पर एक बात तो आंटी जी समझ में नहीं आ रही, अगर उसने कहीं अपने बरादरी वालों को नागरिकता दिला दी ना, तो फिर तो म्युनिसिपैलिटी वालों का बेचारों का भी नौकरियां चली जाएंगी। बात तो सही है। और मोदी जी वैसे भी देश में बेरोजगारी खत्म कर चुके हैं, और तुम रोजगारी बढ़ाने का काम कर रही हूँ। वो अबिंदार रात दिन मेहनत कर रहा है रोजगार देने के लिए, और तुम बेरोजगारी बढ़ा रही हो। टूट गया मैं तो अब। गलत है, ऐसे ऐसे नहीं बनते हैं अंधभक्त, मोदी भक्त बनते हैं हम जैसे लोग जो बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। जान दे देंगे इसके लिए। कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा, पेट्रोल और डीजल का रेट 2,000 रुपए लीटर कर दे, कोई डर नहीं। क्या बोला तूने? और डीजल का रेट 2,000 रुपए लीटर कर दे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है, और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला, हमारे मेरे मोटर कागज चुकने वाले में फर्क के रहा। बात तो सही है। अरे चाचा कैसी बात कर दी आपने, आप तो राजा महाराजाओं के खानदान से हो, आपके यहाँ तो नौकर भी मर्सिडीज से दही लेने के लिए जाते हो, तो आज आप गलती से बुलेट उठा लाए। आप तो हमेशा प्राइवेट जेट से घूमते हो, आपके तो पूरे जिले में आज दिन तक किसी ने साइकिल ना देखी। साइकिल ये क्या? अरे साइकिल ना यार, हीरो की नहीं है, डुकाटी पहना गिल की है, मॉडिफाई कर रखी है। चाचा वॉक पे निकले हैं, ये अमीरों वाली बात है, सिर्फ अमीर ही समझ सकते हैं इस बात को, सिर्फ अमीर, चाहे भले पेट्रोल 2,000 रुपए लीटर क्यों ना हो जाए, सिर्फ अमीर ही समझते हैं इस बात को। तो
क्या बोलती मेरे देश की अंतरार्दन सब ठीक ना। मैं आपका संवाददाता लादी लाड़। तो आप देख रहे हैं बकचोदी की पार्ट ताला। तो गाइस इस वीडियो का पर्पस किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था, सिर्फ लॉजिकली बात की गई है और थोड़ी हंसी और मजाक, इसके अलावा और कुछ नहीं। और बकचोदी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना और एक बकचोद तक कमेंट भी कर देना, और वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो अपने बकचोद दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे मेन बात यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बनके करा दो, बनके का टारगेट है, टारगेट नहीं है। और दूसरी चीज, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि वीडियो में आप लोगों को कौन सा सबसे ज्यादा पार्ट अच्छा लगा। और एक बात और कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस बार राहुल गांधी जी को या मोदी जी को किसको सपोर्ट कर रहे हो आप। ठीक है, बंद कर दे कैमरा। मोदी जी, मैंने जो जो आपने कहा था मैंने वो कह दिया। आइंदा आपके अंधभक्तों को कभी रोस्ट नहीं मारूंगा, गलती होगी माफ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं? नहीं नहीं, नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।